सर, इस खुशी इस जश्न का सेहरा आपके सर पर है जैसा। वकील साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं दिया होता तो। एक मिनट यशपाल जी, मैंने आपके हक में फैसला नहीं दिया, बल्कि सबूत और गवाहों की रोशनी में सच्चाई के हक में फैसला सुनाया। वाह जज साहब वाह, क्या बात कही है इन्होंने। इसी बात पर एक जाम हो जाए जज साहब। जी नहीं शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। वो तो आपने इतना जोर दिया इसलिए आपकी खुशी में शरीक होने चला। एज यू प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। सर एक मिनट। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या बात है माधेश, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? सर वो सूरज बाहर गेट पर आया हुआ है। हिम्मत कैसे हुई मेरी दहलीज पर पाँव रखने की? दफा हो जाए यहां से। चला जाऊंगा सर, चला जाऊंगा। बस दो मिनट अपने बेटे से मिलने दीजिए प्लीज। मांगने आया है तो भिखारियों की तरह मांग। घुटने टेक, टेक घुटने। हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा और भीख मांग अपने बच्चे से मिलने की, सुना नहीं? भीख मांग। मुझे अपने बच्चे से मिलने दो साहब, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। तुझे इस घर से भीख भी नहीं मिलेगी। Get out from here. Out. Well done sir. क्या सबक सिखाया आपने? अरे आपसे टक्कर लेने चला था, कुत्ता बना दिया आपने उसे। अरे उसे पता नहीं कि किस हस्ती से उसका पाला पड़ा है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चलिए सर पार्टी करते हैं, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं। हाय, ये तेली तो तेल निकालने आ रहा है। कमिश्नर साहब, मैं यशपाल चौधरी बोल रहा हूँ। मेरे बंगले में एक गुंडा ट्रक लेकर घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। आप फौरन पुलिस फोर्स भेजिए, वरना हम सबकी जान खतरे में है। प्लीज जल्दी भेजिए। करण, 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 तुझे मुझसे छीन के लेके करण। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो पापा प्लीज। हाँ करण, हाँ चल चल चल।
तेरा बाप हरामखोर है, वो मरी जाए तो अच्छा है, दफा हो जाना उसे। पापा। करण। पापा। पापा। सूरज। अच्छा किया साहिब, बहुत अच्छा किया। गुनहगार है वो, तुम्हारी अदालत में कल वो फिर लाया जाएगा। और तुम उसे फांसी की सजा देना साहिब, फांसी की सजा देना। अरे उसका गुनाह इतना ही है साहिब कि वो अपने बिटवा से बहुत प्यार करता है, और जब तक वो जिंदा रहेगा ना साहिब, वो ये गुनाह करता रहेगा। उसे रोज रोज की मौत से छुटकारा दिलवाई दीजिए साहिब, उसे फांसी चढ़ाई दीजिए साहिब, उसे फांसी चढ़ाई दीजिए। चलिए, आपकी जमानत हो गई है। मिस्टर सूरज, कानून संदेह मुसाफिर की तरह है जो अपना रास्ता सबूतों और गवाहों की बैसाखियों के सहारे तय करता है। अदालत में तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए, उन्हीं की बुनियाद पर मैंने अपना फैसला सुनाया था। लेकिन कल के वाकये ने मेरी आंखें खोल दी। तुम इस केस को रीओपन करने की अपील करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूछता हूं, किस बुनियाद पर यह मुकदमा रीओपन किया जा रहा है, जबकि इस मुकदमे का फैसला पहले हो चुका है? आखिर यह सब तमाशा क्या है? मिस्टर चौधरी, आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जज साहब, अगर आप खामोश नहीं हुए तो इसे अदालत की तौहीन समझा जाएगा। यशपाल जी चुप हो जाइए, सूरज तो बाहर आ गया है, कहीं ऐसा ना हो आपको अंदर जाना पड़े। बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मिसेस कोमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। अब मैं मास्टर करण को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। मिसेस कोमल, आप अपने बेटे करण के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपके पति ने इसे लौटाने की आपसे कीमत मांगी थी। मिसेस कोमल सुन रही हैं आप? अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के ये कसम खाइए कि मिस्टर सूरज ने इसे लौटाने की कीमत आपसे 2 करोड़ मांगी थी। बोलिए मिसेस कोमल, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाइए, खाइए कसम। बताइए इस अदालत को कि सूरज ने आपसे कितने पैसे मांगे थे। बोलिए। मैं नहीं समझता कि मुझे अदालत को इससे ज्यादा कुछ और समझाने की जरूरत है।
That's all I have to say, Your Honor. Thank you. जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। मैं मानता हूं जज साहब कि एक मां ने अपने बच्चे को पाने के लिए झूठ बोला। बेशक आप इस बच्चे को बाप के हवाले कर दीजिए, लेकिन इससे यह कहिए कि उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का चेक भी कबूल कर ले, क्योंकि जज साहब इस आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि इस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। 7 साल अपने बच्चे को मैंने पाला है जज साहब, आगे भी इसकी परवरिश मैं कर सकता हूं। मुझे इस आदमी की खैरात की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें खैरात की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो टकसाल है टकसाल। योर ऑनर, दुनिया इसकी हैसियत को जानती है। ये जिस जगह में रहता है वो लिटिगेशन में कभी भी इसे धक्के मार कर बाहर निकाला जा सकता है। नौकरी से तो ये पहले ही हाथ धो चुका है। अरे ये तो सेठ जी की मेहरबानी है कि तुझे भीख दे रहे हैं, वरना है तेरी औकात कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सके? क्यों, ताला क्यों लग गया मुंह पे? हाँ, अरे बोलना कि तू अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ। सुना तुमने, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, सिक्योरिटी तुम अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हो? हाँ करवा सकता हूँ। जज साहब ये खुद कह रहा है कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए बतौर सिक्योरिटी ये अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सकता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं अदालत से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बच्चे को हमेशा के लिए माँ के हवाले कर दिया जाए। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। मिस्टर सूरज, तुम अपने होशो हवास में ये बात कर रहे हो कि इतनी मुद्दत में तुम ये वादा पूरा कर सकोगे? जी जज साहब। मिस्टर सूरज को वादे के मुताबिक 3 महीने के अंदर 15 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी अदालत में जमा करवाने होंगे। अगर ये अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे तो बच्चे को हमेशा के लिए मां के हवाले कर दिया जाएगा। अदालत में हमारी शर्त मान के तूने खुद को हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर कर लिया है। 15 लाख की रकम 3 महीने में तो क्या तू 3 जन्मों में भी इकट्ठी नहीं कर पाएगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है यशपाल चौधरी, तुम्हें जीतने का तो शौक है लेकिन बाजी खेलने का सलीका नहीं है। 15 लाख तो बहुत कम है। अगर मेरे बच्चे के लिए 15 करोड़ रुपए की भी शर्त रखी होती तो वो भी मैं तेरे मुंह पर दे मारता।